साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है, साइन इनवर्स एक्स होल का स्क्वायर डीएक्स। यहां पर ओनली वन फंक्शन गिवन है और साइन इनवर्स का है, तो सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर साइन इनवर्स एक्स को हम यहां पर टी के इक्वल लेट कर लेंगे, तो यहां पर x इज इक्वल टू साइन टी के हो जाएगा उस तरफ ले जाएंगे तो, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर 1 dx साइन टी का cos टी dt हो जाएगा। यहां पर पुट कर लेंगे इसको, साइन इनवर्स x की जगह t और स्क्वायर है तो t स्क्वायर इनटू dx की जगह cos टी dt हो जाएगा। यहां पर दोनों फंक्शन वैसे सिंपल है, अगर कोई से कोई भी हम यहां पर लेट कर सकते हैं, लेकिन t स्क्वायर को यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, cos t को हम यहां पर सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो t स्क्वायर इंटीग्रेशन cos t dt माइनस dy dt t स्क्वायर इंटीग्रेशन cos t dt, तो यहां पर क्या जाएगा, t स्क्वायर cos t sin t का इंटीग्रेशन, sin t हो जाएगा cos t का, माइनस यहां पर डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का यहां पर 2t हो जाएगा और यहां पर cos t है इसका, यहां पर आ जाएगा sin t dt। दोबारा से प्रोडक्ट है फंक्शन t और sin t, दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हो जाएगा, t स्क्वायर sin t माइनस 2 को बाहर कर लेंगे, t इनटू sin t dt, t को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे, sin t को यहां पर सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इस पार्ट को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, t इनटू sin t dt, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज sin t dt माइनस dy dt t इनटू इंटीग्रेशन sin t dt, तो ये यहां पर हमारा आ जाएगा t, ये माइनस cos t का होता है, माइनस t का इंटीग्रेशन यहां पर के t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और sin t का हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस cos t dt हो जाएगा, माइनस t cos t माइनस यहां पर माइनस का साइन बाहर आकर प्लस हो जाएगा और ये sin t का बन जाएगा प्लस c, तो ये वाली वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, t स्क्वायर sin t माइनस 2, यहां पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2t cos t माइनस 2 sin t प्लस c। अब यहां पर t की टर्म में है तो हम यहां पर x की टर्म में कर लेंगे इनको चेंज, तो t की जगह यहां पर sin इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा और sin t की जगह यहां पर x आ जाएगा प्लस 2, t की जगह यहां पर sin इनवर्स x आ जाएगा और cos t की जगह यहां पर sin t की वैल्यू है x, तो cos t की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पर cos t is equal to 1 minus sin square t, तो यहां पर sin t की वैल्यू x पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 minus x square, यहां पर लिख लेंगे इसको root 1 minus x square minus 2 sin t की जगह हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहां पर, तो 2x plus c ये हमारा फाइनली आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th।